सभी को नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी बाइट्स विद उर्मिला। आज मैं आप लोगों के साथ चना दाल की कढ़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि नॉर्थ इंडिया में इसे बनाया जाता है, जो बहुत ही टेस्टी होती है। कढ़ी बहुत तरह से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए इन सभी सामग्री की आवश्यकता होगी। चना दाल 250 ग्राम या एक कटोरी, उड़द दाल 1/4 कटोरी या फिर 50 ग्राम, इसे धुली हुई माँ की दाल भी बोलते हैं। इन दोनों दाल को 2 से 3 घंटा अच्छे से पानी में भिंगो देना है। सबसे पहले अच्छे से वॉश करना है, फिर पानी में भिंगोना है और फूलने के बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। दोनों दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं यहाँ 1 चम्मच साबुत जीरा डाल दे रही हूँ और 1/2 स्पून हल्दी और नमक स्वादानुसार डालकर सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ ग्रीन चिली और प्याज को बारीक काट करके डाल सकते हैं। यहाँ मैं लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दी हूँ, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब चलते हैं फ्राई करने। कढ़ाई में रिफाइंड या मस्टर्ड ऑयल डालकर गर्म करेंगे। गर्म होने पर हाथ में दाल के पेस्ट को लेकर इस तरह से डालते जाएंगे। जितना ऑयल में पकौड़े आ सके उतना ही डालेंगे। फ्लेम मीडियम ही रखी हूँ। दाल को ग्राइंड करते समय इस बात का बहुत ध्यान देना है जिससे कि दाल का पेस्ट पतला ना हो। जितने में दाल पिसा जाए उतना ही पानी डालना है। चना दाल भी कैल्शियम, फोलेट और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे हड्डियां मजबूत होती है। ब्राउन होने पर फ्लेम को फुल करके सभी पकौड़े को ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। इसी तरह सारे पकौड़े को बनाकर रख लूँगी। शुगर, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है। पहले सारे पकौड़े बनाकर रख लिया है। 1/2 पकौड़े सूखा रखूँगी और 1/2 गर्म पानी में भिंगोकर कढ़ी के लिए रख दूँगी। पानी में डाल देने से पकौड़े कढ़ी में सॉफ्ट हो जाते हैं। पकौड़े को आप स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। देखिए यहाँ 1/2 पकौड़े को मैं इस बर्तन में निकाल दे रही हूँ और 1/2 को गुनगुना पानी में डालना है। तो अब मैं यहाँ ये पकौड़े को डाल दे रही हूँ और इसे चम्मच के सहारे थोड़ा सा अच्छा सा डुबो दूँगी जिससे अच्छे से फूल जाए। यहाँ मैंने 2 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है और गर्म होने पर जीरा और सरसों का तड़का डाल रही हूँ। मेथी और सूखी लाल मिर्च का तड़का भी लगा सकते हैं। अब यहाँ मैं कड़ी पत्ता भी डाल दे रही हूँ और 1 लाल सूखी मिर्च भी डाल दे रही हूँ। ब्राउन होने पर 1 कटे प्याज डालकर ब्राउन कर लूँगी। यहाँ मैं मसाले नहीं डालूंगी, जैसे धनिया, जीरा, ब्लैक पेपर, सभी पाउडर के मसाले आप डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। इसे अच्छे से भून लूंगी, फ्लेम मीडियम टू लो ही रखूंगी। इसे अच्छे से भून लूंगी और ब्राउन कर लूंगी। अब मैं यहाँ 10 लहसुन और 8 हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है और इसे भी अब डाल दूंगी और अच्छे से पका लूंगी। 1/2 स्पून हल्दी डालकर अच्छे से पका लूँगी। जितनी दाल थे उसमें 1/2 से अधिक दाल का मैंने पकौड़ा बनाया और 1/2 से कम दाल से कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि कढ़ी थोड़े पेस्ट में ही ज़्यादा बन जाता है। अब मैं यहाँ जो दाल का पेस्ट है उसमें बहुत सारा पानी ऐड करूँगी और इसे पतला बना लूँगी। अब इसे कढ़ाई में धीरे धीरे डाल दूंगी और धीरे धीरे चलाते भी जाएंगे जिससे लम्स ना पड़े और नीचे सटे नहीं। अभी मैंने यहाँ फ्लेम को फुल रखा है, ये अच्छे से बॉयल हो जाए तो उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूंगी। कड़ी पत्ता और प्याज का तड़का जो मैंने दिया है
आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। पाँच से छः मिनट इसे लो टू मीडियम फ्लेम में पकानी है। ग्राइंड कर रही थी तभी हींग भी मैंने डाल दिया था। 1 स्पून हल्दी ऐड कर दे रही हूँ। अब ये बहुत अच्छा से पक चुका है। अब इसमें पानी डालकर से और अधिक पतला कर दूँगी। आप चाहें तो दही और बेसन एक साथ घोल कर भी पका सकते हैं। अब इसे लगातार चलाते रहेंगे। अभी मैं गाढ़ा ही इसे पका रही थी, फ्लेम मीडियम टू लो में ही पकानी है। यहाँ मैं दही को मैंने विस्कर से अच्छे से फेंट लिया है। दही यदि खट्टा ना हो तो थोड़ा सा नमक डालकर उसे रेस्ट के लिए रख देंगे। कढ़ी में भी नमक स्वाद अनुसार ही डाल दूंगी। मैंने गाढ़ा ही बहुत अच्छा से पका लिया है, इसलिए अभी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा से उबाल आने पर बड़ी या पकौड़े को कढ़ी में डाल दूंगी और 2 से 4 मिनट पका लूंगी। कढ़ी को फुल फ्लेम में नहीं पकानी चाहिए, पकाने से कढ़ी फट जाती है, इसलिए स्लो टू मीडियम फ्लेम में ही कढ़ी को पकानी चाहिए। वीडियो स्किप ना करें क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब जो बड़ी को मैंने पानी में डाला था उसे पानी से निकाल कर कढ़ी में डाल दूंगी और 2 से 3 मिनट पका लूंगी, जिससे पकौड़े में कढ़ी अंदर तक चली जाए। ये कढ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर इसी ट्रिक से बनाएं। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लूंगी। कढ़ी को धीरे धीरे चलानी है। अब फ्लेम बिल्कुल स्लो करके दही डाल दूंगी। दही डालते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि फ्लेम स्लो हो, नहीं तो कढ़ी फट जाता है और पानी जैसा दिखने लगता है। 1 से 2 मिनट पकने के बाद गैस बंद कर देंगे। दही डालने के बाद फ्लेम को कभी भी फुल नहीं करना है, बिल्कुल स्लो ही रखना है। बड़ी डालने से 2 से 4 मिनट उसे पकाना है, फिर स्लो फ्लेम पर दही डालना है। 1 मिनट उबाल आने पर गैस बंद कर देंगे। देखिए ये अभी इस तरह से पतला रखना होता है, क्योंकि इस तरह से बनाने के बाद भी जब ठंडा ये हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा बन जाता है, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह पतली रखनी है। अब ये मैं गैस बंद कर दी, अब इसे ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ दूसरे बर्तन में। देखिए बहुत ही यमी कढ़ी बनकर तैयार है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। इसे आप चावल, रोटी, चपाती किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। अब आप भी इसे ट्राई कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।